हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का आप ही अपने यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो गाइस, क्या आप लोगों ने यहाँ पे जो है इस वाली न्यूज को सुना है कि भाई पबजी वालों ने यहाँ पे जो है एक लॉ सूट यानी दोस्तों एक केस किया है फ्री फायर के ऊपर, इवन दो गाइस यूट्यूब के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एंड गाइस हमारे ऐप स्टोर के ऊपर। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो फ्री फायर है उन्होंने यहाँ पे जो है काफी सारे पबजी मोबाइल के फीचर्स को यहाँ पे जो है कॉपी कर लिया, इसलिए गाइस पबजी वालों ने यहाँ पे गुस्से में आकर उनके ऊपर एक लॉ सूट जो होता है यानी एक केस जो होता है वो यहाँ पे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने यहाँ पे। एंड गाइस यार, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पे जो है हेट बिल्कुल भी नहीं करता। मैं पबजी का क्रिएटर हूँ, मुझे पता है, लेकिन गाइस मैं फिर भी यहाँ पे जो है फ्री फायर को हेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जो न्यूज आई है जस्ट मैं उस न्यूज को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो गाइस कोई भी कॉमेंट में आकर चूं चाह तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद अपने जो कॉमेंट्स होते हैं वो कॉमेंट में रखना, लेकिन कोई हेट जो है बिल्कुल भी मत फैलाना किसी भी कम्युनिटी पे। तो बेसिकली गाइस 3 दिन पहले की बात है कि यार सारा का सारा ड्रामा जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। एंड गाइस काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि भाई क्राफ्टर ने यहाँ पे जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो यार ये कोई शादी नहीं है यार, एक लॉ सूट है, एक केस फाइल किया गया है एक कंपनी के ऊपर, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं गाइस कि कोई अपनी कम्युनिटी टाइप में जाएगा वहां पे बताएगा कि भाई मैंने जो है आज फ्री फायर के ऊपर केस कर दिया। भाई ये लॉ सूट है, कोर्ट केस की बात है, ये अंदर ही अंदर होती है। जो मीडिया हाउस होते हैं गाइस वही आप लोगों को यहाँ पे जो इस चीज के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो 3 दिन पहले की बात है गाइस, यहाँ पे न्यूज निकल कर आई थी। एंड गाइस यार पबजी ऐसा बोलता है कि यार जो फ्री फायर है उन्होंने यहाँ पे जो है गेम के जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंटेंट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देखो जैसे कि आर्मर हो गया, यूनिक ऑब्जेक्ट हो गया, लोकेशंस हो गया, ओवरऑल चॉइस हो गई, मटेरियल हो गया, स्कीम हो गई, टेक्सचर्स हो गए, भाई सब कुछ ओवरऑल यहाँ पे जो है फ्री फायर जो होता है वो यहाँ पे कॉपी कर रहा है, ठीक है? अब आप में से काफी सारे लोग जो फ्री फायर देखते हैं वो यहाँ पे ऐसा कहेंगे यार जो हमारा गेम है वो तो बहुत पहले आ गया था, मतलब इवन दो पबजी मोबाइल से भी पहले आपको जो फ्री फायर है वो यहाँ पे आ गया था, तो हमारा गेम वो यहाँ पे कैसे कॉपी कर रहा है? तो बेसिकली गाइस अभी जितना मैंने सुना है तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है गाइस कि जो अभी की कुछ चीजें हो रही है ना गाइस, जो रिसेंटली कुछ चीजें हो रही है, मतलब रिसेंटली गाइस फ्री फायर जो है काफी सारे मोड्स हो गए, काफी सारे फीचर्स हो गए, उनको कॉपी कर रहा है। इसलिए गाइस अभी रिसेंटली फाइल जो यहाँ पे जो लॉसूट होता है उनको यहाँ पे जो है डाला गया, ठीक है? वैसे तो ऑब्वियसली बात है 4 साल पहले से गेम चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे, तो 4 साल पहले भी हम लोग यहाँ पे चाहे तो कर सकते थे केस, लेकिन नहीं गाइस अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है तब जाके दोस्तों उन्होंने यहाँ पे जो है इस तरह का केस, इस तरह का लॉसूट जो होता है फ्री फायर के ऊपर यहाँ पे किया है। एंड गाइस अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे कि चलो फ्री फायर का तो समझ में आ गया, लेकिन गाइस यूट्यूब हो गया, ऐप स्टोर हो गया, प्ले स्टोर हो गया, उनके ऊपर यहाँ पे जो लॉसूट होता है वो क्यों फाइल किया गया? तो बेसिकली गाइस अगर हम बात करें यूट्यूब के बारे में, तो गाइस यूट्यूब जो है प्रमोट करता है फ्री फायर कंटेंट को। एंड गाइस यूट्यूब को बहुत पहले यहाँ पे जो है क्राफ्टर ने ऐसा कहा था कि भाई इस चीज को यहाँ पे जो है हटा दो, लेकिन ऑब्वियसली बात है यूट्यूब ने इस चीज से इनकार कर दिया एंड अभी तक कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया। तो ऑफकोर्स उनके ऊपर भी यहाँ पे जो है क्राफ्टन कंपनी ने यहाँ पे लॉसूट को फाइल कर दिया। एंड आपको पता है ऐप स्टोर पे एंड गाइस प्ले स्टोर पे आप लोगों को यहाँ पे जो है काफी आसानी से यहाँ पे जो गेम होता है उसको आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप चाहोगे तो ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर जाकर जो है फ्री फायर को एंड फ्री फायर मैच को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस इसलिए यार ऑब्वियसली बात है उनकी भी यहाँ पे जो है काफी अच्छी इनकम हो रही है। एंड जबकि यार ऐसा प्ले स्टोर वालों को एंड ऐप स्टोर वालों को पता है कि क्राफ्टन कंपनी की कुछ कंटेंट है जो फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स यहाँ पे जो है वो कॉपी कर रहे हैं, फिर भी गाइस जो प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर वाले हैं वो उस गेम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए गाइस यार उनके ऊपर भी यहाँ पे जो है केस किया गया, ठीक है? अब ये तो मुझे इससे ज्यादा नहीं पता गाइस कि यार ये जो चीजें कब तक होने वाली है, कहाँ तक जाने वाली है, लेकिन यस गाइस अगर ये केस गलती से भी यहाँ पे जो है क्राफ्टन जीतता है ना गाइस, तो काफी बड़ा लॉस होने वाला है फ्री फायर को। मैं बैन तो नहीं कह सकता, लेकिन यस काफी ज्यादा लॉस जो होता है वो फ्री फायर को डेफिनेटली यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है? अगर हम बात करें गाइस कि फ्री फायर ने यहाँ पे जो है क्या कॉपी किया, तो बेसिकली गाइस यार कम से कम इन्होंने यहाँ पे जो है 108 पेजेस की यहाँ पे एक पीडीएफ बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पे जो है हर एक चीज को काफी अच्छे से, काफी लॉ तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो है बताया कि भाई किस किस चीज को यहाँ पे जो है फ्री फायर ने यहाँ पे कॉपी किया है। एंड कोई भी अगर लॉ का स्टूडेंट है या फिर दोस्तों किसी को भी यहाँ पे जो है लॉ की जानकारी है, तो प्लीज आप जरूर कमेंट में आइएगा एंड आप मुझे बताना गाइस कि क्या हो सकता है अगर कोई बंदा यहाँ पे जो है कोई भी कंपनी यहाँ पे जो है किसी कंपनी पर केस करती है तो इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है? बाकी ऑफकोर्स यार काफी सारे एलिगेशन जो होते हैं वो यहाँ पे लगा रखे क्राफ्टन कंपनी ने फ्री फायर के ऊपर की, मतलब काफी सारी चीजें यहाँ पे जो है कॉपी की गई है, ठीक है? अब बात करते हैं गाइस क्या इस तरीके से या फिर दोस्तों इस लॉ सूट से फ्री फायर को यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, क्या फ्री फायर जो यहाँ पे पूरे का पूरा बैन हो जाएगा आपके इंडिया के अंदर? तो बेसिकली गाइस आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए क्राफ्टन जो इस वाले केस को जीतता है, तो यार जो गैरेंटर फ्री फायर है उनको यहाँ पे जो है डैमेजेस जो होते हैं उनको यहाँ पे जो है पे करना पड़ेगा, मतलब ऑफकोर्स जो भी यहाँ पे जो है क्राफ्टन वाले जो यहाँ पे मांग रहे हैं पैसे के रूप में, तो वो उनको यहाँ पे जो है देने पड़ेंगे। एंड गाइस अगर मान लीजिए गैरेंटर जो इस चीज को यहाँ पे जो है इनकार करती है, तो गूगल प्ले स्टोर पे एंड जो ऐप स्टोर है उनको गाइस एक ऑर्डर आएगा, ऑफकोर्स ऊपर से एक ऑर्डर आने वाले कि भाई वो जो गैरेना फ्री फायर हो गया फिर दोस्तों फ्री फायर मैक्स हो गया उनको ऐप स्टोर से एंड गाइस प्ले स्टोर से यहाँ पे जो है रिमूव कर दे। तो ऑफकोर्स गाइस यार बहुत बड़ा लॉस होने वाला है एंड काइंड ऑफ दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आपका फ्री फायर है वो यहाँ पे बैन ही हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है प्ले स्टोर पर रहेगा नहीं, ऐप स्टोर पर रहेगा नहीं, तो डाउनलोड आप लोग यहाँ पे जो है कैसे कर पाओगे? तो यार ये कुछ चीजें चल रही है मार्केट में, जस्ट मैंने आपको इन्फो दी है। एंड गाइस यार किसी भी कम्युनिटी को यहाँ पे जो है हेट बिल्कुल भी मत करना, अगर कोई फ्री फायर वाला देख रहा है तो गाइस मैं भी आप लोग को यहाँ पे जो है बिल्कुल हेट नहीं करता, बिकॉज दोनों गेम जो है अपनी जगह पे काफी बढ़िया है, दोनों गेम की जो कम्युनिटी है काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सो यार गाइस दैट्स इट फॉर
टुडे। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद है प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर कमेंट कीजिएगा, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बताइएगा ताकि दोस्तों मैं भी आप लोगों के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में जान सकूं। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।